रोलिंग। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल सर वेलकम टू आवर चैनल। बिग बॉस 18 में आपको काफी ज्यादा पसंद किया गया, जिस तरीके से आपने स्टैंड लिया जेल में जाने से, हालांकि आप बाहर आ गए, ऑडियंस कहीं ना कहीं आप पूरे घर को एंटरटेन कर रहे थे, और स्पेशली अगर मीडिया टीम को बोला जाए तो एंटरटेनमेंट के तड़के आप ही लगा रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को कि आप घर से बाहर आ गए हैं? हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को, समर्थकों को, साथियों को, भाइयों को, बहनों को, विश्व भर में जो हमें चाहते हैं उन्हें हम यही कहेंगे। वो एक गाना था, चलो बुलावा आया है, हमें भी बुलावा आया था, कोर्ट ने हमें बुलाया था। जब कोर्ट की पेशी लगती है तो हाजिरी लगानी पड़ती है, तो कोर्ट की पेशी के कारण यानी हम एक ऐसे माननीय उच्च न्यायालय जो अदालत है वहाँ के मुख्य न्यायमूर्ति जी के सामने भारत के संविधानिक जो संबंधित केस थी उस केस के सिलसिले में हमें बुलाया था, इसीलिए हमको जो है केस की तारीख पर अपनी बहस करने के लिए, अपनी आर्गुमेंट करने के लिए मुझे और डॉक्टर जयश्री पाटिल को जो है कोर्ट में जाना पड़ा था। इसीलिए हम जो है बिग बॉस से वेरी वेरी ऑनर यानी बहुत इज्जत के साथ कोर्ट की बात की मद्देनजर हम जो है बिग बॉस से कोर्ट की तरफ रवाना हुए थे। हालांकि अब बाहर आ गए, ऑडियंस कहीं ना कहीं अभी भी नाराज है, तो कोई ऐसा अपकमिंग में प्लान है सर कि बाद में भी हम रीएंट्री भी कर सकते हैं? हाँ, डंकी की चोट पे अगर हमें समय मिला तो जरूर 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 हम फिर बिग बॉस में होंगे, और बिग बॉस में हम अपनी जो चीजें है बहुत अच्छी तरह से रखने की, हमारी सोच बहुत अच्छी तरह से रखने की पूरे पूर्ण कोशिश करेंगे। सर जैसे कि मैंने कहा था, जिस तरीके से आपको एक टास्क की तरह ही मिला था कि जेल में जाने का, बट आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, बट ऑडियंस अभी तक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है क्या कि सर ने अगर एक्सेप्ट कर लिए होते तो एक और हमें चीज़ें देखने को मिलती है कि अगर एज अ लॉयर अगर जेल में जाते तो वहाँ पर क्या कुछ करते वो? इसके पहले तो हमने बड़ी जेल यात्रा की है, तो यात्रा तो हमारे साथियों ने, भाइयों ने, हमारे चाहने वालों ने काफ़ी लंबी हमारी जेल यात्रा देखी हुई है, तो मेरे ख्याल से झूठी मूठी जो वहाँ पे जो शो था उससे अच्छा जो हमने जो वहाँ पर अपना अपनी अपनी बात रखी, जिस तरह से बात रखी, मुझे लगता है वो लोगों ने ज़्यादा पसंद की। वो कुछ ज़्यादा ही लोगों ने पसंद किया कि आपने स्टैंड लिया, आपको हर एक सिनेरियो को लोगों ने टोटल 24 आवर्स देखा गया लाइव आपको। और मेरा सवाल ये है, इतने सारे कंटेस्टेंट थे बिग बॉस हाउस में, मैं जानना चाहूँगी आपके फेवरेट कौन थे उनमें से? हमारे फेवरेट? हाँ, या जिनसे आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। हम बॉन्डिंग पे विश्वास नहीं, हम अपने आप पे विश्वास रखते हैं, और हम जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं, तो शायद 2018 सीजन यानी बिग बॉस अभी मैच्योरिटी की एज में आए हैं और हम मैच्योरिटी से कर रहे थे। बाकी लोग वो उबले चने फ्यूचर हीरो फिल्मी दुनिया से थे, वो कलाकार लोग सीरियल से थे, हम बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि वो फ्यूचर हीरो है, इसीलिए तो हम बोलते हैं उबले चने उनको। तो वो उबले चने अपनी अपनी चटपटी बातें बताने की कोशिश कर रहे थे, कोई अलग अलग क्षेत्र से भी आए थे, लेकिन ये मानते हैं कि हम घमंड से नहीं कहेंगे हमरे बराबरी में कोई नहीं, पर हम डंके की चोट पे ये कहेंगे कि लोगों ने हमें पसंद किया है। हम बाहर आने के बाद पता चला हमको कि लोगों के दिल पे हम छाए हैं, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि जो लोग चाहते हैं, जो भाई चाहते हैं, चाहने वाले चाहते हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो लोगों ने जिसे बड़ा समझा, लोगों ने जिसे एक नंबर दिया, लोगों ने कहा हम एक नंबर पे है, तो हम ये समझते हैं कि वहाँ पे हमारे साथ साथ बराबरी के साथ कोई नहीं था। क्या बात है सर, मैं जानना चाहूंगी इतने सारे कंटेस्टेंट में से आपके टॉप 5 कौन हैं जिसे आप देखते हैं, हालांकि आपने उनके साथ रहा है, पर्सनली आपने जाना है, आपको उनके बिहेवियर से लगता है कि कौन फ्यूचर में टॉप 5 रहेगा या फिर कौन ट्रॉफी उठा सकता है बिग बॉस 18 का? वो सारे सत्रह एक बराबर है, और गुणरतन सदावर्ते
सबसे ऊपर है, ये हम नहीं कहते हैं, ये जनता कहती है, ये पब्लिक कहती है, ये पब्लिक बोलती है। कहीं ना कहीं अगर आप घर में बने रहते हैं तो हालांकि टॉप थ्री, टॉप टू, टॉप वन में भी आप रहते हैं, बट इन केसेस आप बाहर आ गए हैं, तो मेरा ये है कि आपके अकॉर्डिंग कौन आपके हिसाब से लगता है कि इस बार बिग बॉस में अच्छा गेम प्ले है उसका इस समय? हम कराची वाले से डरते नहीं, दाऊद इब्राहिम को बख्शते नहीं, तो हमसे अच्छा कौन? हम अगर फिर वहां होंगे तो हम बिग बॉस हमारी तरफ ही रखेंगे। क्या बात है, ऐसा कोई गिला सिकवा जो कि बिग बॉस से रह गया अभी तक खेलना हो, अगर आप पहले हफ्ते में खेलती होते तो कुछ था पहले से प्लानिंग सर आपका? नहीं, हम स्क्रिप्ट के ऊपर विश्वास नहीं करते, इसीलिए तो मैंने सलमान से एंट्री के समय कहा था कि सलमान रियलिटी शो में रिटेक नहीं होता है, हमारे कहने का मतलब ही होता है। थैंक यू सर, लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को आप? यही कहना चाहता हूँ कि फिल्मी जगत ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया से अपना फासला रखना चाहिए, चीजें बेहतर करने के लिए कलाकारों ने अपने अपने कला दूसरे कलाकारों के साथ मिठास रखनी चाहिए, खटास छोटी सी खटास के लिए गलत चीजों के साथ बहते न जाना चाहिए। इसके परिणाम हमें लगता है कि इसके पहले भी कला जगत ने भुगते हैं अंडरवर्ल्ड से, तो अंडरवर्ल्ड से दूरी रखना ही कलाकारों ने बेहतर है। मैं ये समझता हूँ परेशानी शाहरुख की हो, परेशानी सलमान की हो, परेशानी गोविंदा की हो, परेशानी तो परेशानी होती है, तो इस परेशानी का निपटारा गलत चीजों के साथ जाना नहीं, ये परेशानी का निपटारा आपस में बैर रखना नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।